तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपको ऐसी जानकारी देने वाले हैं अपने मैच्योर एजुकेशन का शेयर पतन के ऊपर, कि इसके अंदर आप ये जान सकेंगे कि आखिर इतना इलाज करने के बाद भी हमारा टाइमिंग क्यों नहीं बढ़ा, या हमने गलत तरीके से इलाज कर दिया है, या हमने ज़्यादा दवा खाने के बाद अपने आप को ख़राब कर लिया। तो इसके अंदर मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूँगा कि किस तरीके से अपना प्रीमैच्योर एजुकेशन को ठीक करना होगा हमें, यानी रुकावट हमें अपनी कैसे बढ़ाना होगी, किस तरीके से हमें इलाज लेकर चलना होगा। क्या ये पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, क्या ये प्रॉब्लम्स आपके अंदर हैं या नहीं, तो चलते हैं पहले पॉइंट्स पर। पहला पॉइंट जो है इसका वो है हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर ऐसा होता है कि आप अपने पार्टनर के पास जब जाते हैं तो आपका दिमाग का सेक्स बहुत ज़्यादा जड़ा होता है, यानी दिमाग का सेक्स आउट ऑफ कंट्रोल होता है, दिल का हार्ट बीट जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, और अपना पैरासिम्पैथिक नर्व, यानी दिमाग से लेकर पैनस तक जो पैरासिम्पैथिक नर्व रीढ़ की हड्डी से आ रही वो वीक हो जाए, जिसकी वजह से कतरा आने लगता है, यानी चेप आने लगता है, और दिमाग में ऐसा होता है कि अब हमारा सेमन या बेरे जो है वो निकल जाएगा। तो ये कंडीशन उन लोगों को गौर से समझ सकते हैं जिन लोगों को शादी नहीं हुई है, कि अगर उनका पार्टनर नहीं है तब भी वो अगर किसी को देखने जाता है, वो ये मोबाइल में कुछ देख ले तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, यानी उन्हें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता, वो अपने हाथ से या किसी भी तरीके गलत तरीके से अपने सीमेंट को निकाल लेते हैं। तो ये जो होता है हाइपर सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम होता है, इसके अंदर दिमाग का इलाज होता है, यानी नसों का इलाज होता है, ठीक है, और कॉपर्स ग्लैंड्स का इलाज होता है। दूसरा पॉइंट चलते हैं लॉस ऑफ इरेक्शन, यानी इरेक्शन, यानी क्या होता है जब हम पार्टनर से मिलते हैं तो तनाव हमें तो बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन ऐसा होता है जब तनाव को मिलते हुए बीच में ही ऐसा होता है कि हमारा तनाव जो होता है इरेक्शन होता है वो टूट जाता है, यानी उसकी वजह भी यही होती है, या तो हमारा सीमन ज़्यादा निकल चुका है पहले, या इन लोगों के साथ होता है जो एक रात में दो दो तीन तीन चार चार बार मिलते हैं तो उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सीमन अंदर जितना ज़्यादा होगा अपने बॉडी के अंदर और हम जितना कम मिलेंगे पार्टनर से उतना हमारे इरेक्शन कभी नहीं टूटेगा, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो और बना रखी है। और तीसरा पॉइंट होता है आपका सीमन का पतला होना, यानी अगर हमारा सीमन पतला है तो वो जाहिर सी बात है रुकेगा ही नहीं, क्योंकि सीमन पतला है तो वो फौरन निकलने की कोशिश करेगा, यानी निकल ही जाएगा, पानी जो है वो अपना रास्ता खुद बनाता है। इसी तरीके से अगर सीमन पतला हुआ तो ऐसा होगा कि वो खुद ब खुद बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, अगर आपका एजुकुलेटेड डक्ट जो है वो लूज है उसको टाइट करने का इलाज होता है इसके अंदर, और साथ ही साथ सीमन को गाढ़ा करने का इलाज दिया जाता है, ठीक है, यानी यूरेथ्रा नर्व और एजुकुलेटेड डक्ट जो होता है उसको टाइट करने का इलाज होता है, और साथ ही साथ आपके सीमन को गाढ़ा करने का इलाज होता है, तो आपकी टाइमिंग बढ़ सकती है। चौथा पॉइंट है डर। डर क्या है कि अगर आप अपने रियल पार्टनर वाइफ है, ठीक है, उसके साथ मिलते हो तो आपको डर की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन जब आपका टाइमिंग नहीं होगा, वहाँ पर नहीं होगा, जैसे आप किसी पार्टनर से मिलने गए और वहाँ पर जाने के बाद आपको एक डर रहता है, खौफ रहता है कि ऐसा नहीं हो कि कोई आ जाए, या किसी का डर रहता है, खौफ रहता है कि हम छुप कर आएंगे या रहता ऐसा, तो वो डर के अंदर हमेशा याद रखें, अगर आपका टाइमिंग नहीं है तो अपने आप को आप बिल्कुल मरीज नहीं माने, जब आपका रियल पार्टनर हो आप उससे मिलकर देखो तो मेरे हिसाब से आपका टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट होगा। लेकिन हाँ, अगर आप किसी से मिलने जाते हैं, ठीक है, अगर आप किसी से मिलने जाते हैं लेकिन वहाँ पर हमेशा डर रहता है, तो ऐसे लोग जो होते हैं उनके अंदर ये दिक्कत होती है कि उनके अंदर एक डर का माहौल, एक खौफ का माहौल होता है, जिसकी वजह से उनको अपने पर दिमाग के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, और दिमाग पर कंट्रोल नहीं होने की वजह से उनका सीमन जो है वो निकल जाता है, ठीक है। अच्छा, पांचवा पॉइंट है डिप्रेशन और टेंशन, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, कारोबार में दिमाग उनका ज़्यादा रहता है और ड्यूटी बहुत ज़्यादा टाइम की ड्यूटी होती है, या डाइवर्स लोग होते हैं, या बहुत ज़्यादा काम करने वाले आदमी जो होता है एंग्जाइटी में भी आ जाता है, या उसका काम पूरा नहीं हो पाता तो एक तरीके का प्रेशर होता है, तो ऐसे लोगों को अपनी नींद गहरी लेना चाहिए, और उन्हें जो एक मैं हमेशा बता रहा हूँ कि त्रिफल पुस्तों को दोस्त इसका सेवन करना चाहिए, जिससे उनके डिप्रेशन और टेंशन खत्म, यानी दिमाग पर झाड़ू लगाने का काम करता है, ठीक है, तो उससे क्या होगा आपके दिमाग को रिलैक्स मिलेगा, तो ऐसे लोगों के लिए क्या है डिप्रेशन टेंशन वाले बने, इस चीज़ को खाएं आधा चम्मच सुबह और आधा शाम दूध के साथ, और उसके बाद मिल कर देखें एक हफ्ते के बाद, तो आपका बिल्कुल रिलैक्स माइंड होगा और आपकी टाइमिंग बढ़ेगी। लास्ट पॉइंट ये है कि जो लोग ज़्यादा एलोपैथिक या ज़्यादा रुकावटों वाली गोलियाँ खाते हैं टेम्प्ररी, वो जब ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है वो होल्ड करता है सीमन को। अब सीमन जब ज़्यादा होल्ड करने की दवाएं खाएंगे तो आने वाला वक्त उनके लिए ऐसा होगा कि वो अपना टॉयलेट को होल्ड नहीं कर पाएंगे, यानी उनका टॉयलेट भी खुद निकलने लगेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जैसे मैंने पॉइंट बताए हैं, अगर इस तरीके से आप इलाज करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट होंगे।